सो हेलो अंकित सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। अच्छा, बस स्टूडेंट्स के प्रीलिम्स आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ वाइंड अप कर रहे हैं पोर्शंस को। 15th ऑफ अक्टूबर से खत्म होना चाहिए। आपका लाइव क्लासेस कैसे चल रहा है सर? सर, हमारा लाइव क्लासेस तो थोड़ा सा 15 दिन और एक्सटेंड हो जाएगा। बाय नवंबर फर्स्ट ईयर के बाद हमारा सेकेंड ईयर भी नवंबर में खत्म हो जाएगा। हाँ जी सर, लाइव क्लासेस तो चल ही रहे हैं बहुत अच्छे से। स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एंजॉइंग, वी आर ऑल्सो एंजॉइंग टीचिंग देम। बट सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, माय इनबॉक्स इज फ्लडेड कि सर प्रॉफ एग्जाम आ रहे हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं सर, हमें आइडिया नहीं है कि प्रॉफ के लिए एग्जाम्स के आंसर्स हम कैसे लिखें, कौन सा पॉइंट इंक्लूड करें, कौन सा नहीं इंक्लूड करें। तो सर कोई सॉल्यूशन इसका? हाँ जी सर, वैसे तो पढ़ाते समय हम लोग नोट्स देते ही है स्टूडेंट्स को, बट दोज नोट्स आर वेरी कंसाइज। लाइक उससे एमसीक्यूज, एसएक्यूज, बीएक्यूज, आंसर इन ब्रीफ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। यस, बट फॉर एलएक्यू स्टूडेंट्स को बुक्स रिफर करना बहुत जरूरी है। एंड स्टूडेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली अवेयर, जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनको अभी तक पता नहीं है कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करना है आंसर्स में, आंसर्स किस तरह से लिखने हैं, कौन से डायग्राम ड्रॉ करने हैं। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वहां पे जो बाकी सारे स्टूडेंट्स है। वैसे भी काफी नए कॉलेजेस भी खुले हैं एंड फर्स्ट बैचेस है कॉलेजेस के, तो उनको सीनियर्स भी नहीं है गाइड करने के लिए। हाँ जी तो सर, सर सवाल यह है कि कौन सा ऐसा प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए, कोर्स या बुक होनी चाहिए जो स्पेसिफिकली हमारे बच्चों के प्रॉफ एग्जाम्स के जो थ्योरी क्वेश्चन है उस पे फोकस करे। तो सर आपकी क्या राय है? सोचना पड़ेगा सर इसके लिए। इसके लिए अपन काम करते हैं, विल वर्क ऑन इट। कुछ अच्छा बनाते हैं बच्चों के लिए जो एकदम सिस्टमेटिक हो, एकदम कंसाइज हो, एकदम क्रिस्प हो। बच्चे पढ़ पाएंगे, बच्चे रिवाइज कर पाएंगे, लिख पाएंगे एग्जाम में। कुछ लाते हैं सर, तो क्या सर लगता क्या है? ऐसा हो सकता है कि एग्जाम से 1 वीक पहले बच्चा पढ़ने बैठे और थ्योरी में फ्लाइंग कलर से पास हो? कुछ ऐसा भी सर सोचने की बहुत जरूरत है। तो सर बताइए, आपका क्या एक्सपर्ट ओपिनियन, अपनी विजडम शेयर कीजिए सर। हाँ जी सर, सो लेट अस कम विथ समथिंग यूनिक। सो हेलो बच्चों, कुछ यूनिक ला रहे हैं आपके लिए, कुछ स्पेसिफिक ला रहे हैं, क्रिस्प ला रहे हैं आपके लिए। दिस इज मेड एड फर्रे। सो व्हाट इज मेड एड फर्रे? इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रेगुलरली रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चंस। अंकित सर, तो सर ये फर्रे वर्ड से तो मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया, जो हम फर्रे बनाते थे फटाफट एग्जाम से 1 दिन पहले, और वो फर्रे हम देख के फटाफट एग्जाम में पास हो जाते थे। क्या ये वैसे ही फर्रे हैं? सर फर्रे तो आइडली हमें नहीं यूज करने चाहिए। सर आप कौन से फर्रे की बात कर रहे हैं? सर यहाँ पे हमने कंपाइलेशन किया है प्रोफेशनल एग्जाम पेपर्स जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज है डिफरेंट स्टेट्स के, तो उनके क्वेश्चन पेपर्स कंपाइल किए इसमें। ये सीबीएमई बेस्ड करिकुलम पे आधारित है, एनएमसी, एनएमसी के सीबीएमई बेस्ड करिकुलम पे। 100 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट टू पास द प्रोफेशनल एग्जाम्स, हमने 100 क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं। एंड आंसर्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, सप्लीमेंटेड विथ हैंड ड्रॉन डायग्राम्स। एंड ये बहुत ईजी होंगे, फ्लो चार्ट्स होंगे, हैंड ड्रॉन डायग्राम्स होंगे। सो आप इसे ईजीली रेप्लीकेट कर सकते हैं एग्जाम्स में। तो सर इसका मतलब यह है कि आपने पूरी एनाटॉमी के बुक बहुत ही कम पेजेस में कंसाइज कर दी, और जोन जोन से क्वेश्चंस प्रॉफ में पूछे जाते हैं उनका आंसर हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया। तो मतलब बच्चे अगर 2-3 दिन भी ये पढ़ लेंगे तो सर आपको क्या लगता है, एग्जाम्स में क्या वो अच्छे से पास कर जाएंगे, क्या डिस्टिंक्शन आ जाएगी सर? तो पास कर पाएंगे, अगर और अच्छे से पढ़ेंगे तो डिस्टिंक्शन भी आ जाएगी सर। सो बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है फर्रे। तो देखते हैं कि बच्चे इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए बच्चे लोग आपको जाना है PW Medded ऐप पे, और ऐप में आपने टाइप करना है कौन से ईयर के आप स्टूडेंट हैं। लेट्स से आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो गो टू द सेक्शन ऑफ नीट PG फर्स्ट ईयर, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, आपकी पुरानी यादें पढ़ रहे। सो क्लिक टू दिस पढ़ रहे एंड एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड, कैसे हमें प्रॉफ एग्जाम को एस करना है और टॉप करना है। एंड जस्ट रिमेम्बर,
ये एक ऐप है, इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कंपाइल्ड फॉर्म में मिलेंगे, उनके आंसर्स ब्यूटीफुली क्रिस्प और कंसाइज वे में लिखे हैं। पर प्रदीप सर एक बात बताइए, बच्चे अगर इसको भी पढ़ने में उनको अगर दिक्कत हो, वो कहे सर हमसे तो नहीं पढ़ा जा रहा, हमारा काम और इजी करिए, तो हमें क्या करना चाहिए सर? ठीक है सर, आपकी भी बात मानते हैं। सो हम 1 अक्टूबर से यूट्यूब सीरीज बिगिन कर रहे हैं, यूट्यूब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, फरे सीरीज फ्रॉम 1 अक्टूबर, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। कैसे लिखना है इसको, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, सो ये आप मेमोराइज कर सकते हैं इजीली। प्लस जो फरे की बुक है वो PW स्टोर में भी अवेलेबल होगी अक्टूबर से बच्चों आपके लिए। तो सर जो PW की मेडेट की बुक है फर्रे, जो स्पेसिफिकली टेलर मेड है प्रॉफ एग्जाम्स के लिए, इसमें जो जो से टॉपिक है, लेट्स से एनाटॉमी का कोई टॉपिक है, तो क्या आप यही टॉपिक यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे? हाँ जी सर, हाँ तो जी, आई थिंक बच्चों के लिए तो सर बहुत इजी हो जाएगा, वो खुद पढ़ भी सकते हैं इस बुक से, प्लस लाइव क्लासेस में यूट्यूब पे टीचर भी उनको हेल्प करेंगे ये फर्रे सीरीज को एस करने के लिए, जो स्पेसिफिकली आपके प्रॉफ एग्जाम्स के लिए है कि कैसे आपने थ्योरी एग्जाम्स को लिखना है। तो सर अब आप कह रहे हैं कि आपका लाइव सेशन हो रहा है खत्म, बट फर्स्ट ईयर में तो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन शुरू हो गया है, तो सर जो आने वाले बच्चे हैं, अब हमारा जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इट वॉज अग सक्सेस एंड स्टूडेंट लव्ड ऑल ऑफ यू, स्पेसिफिकली फैकल्टी, हमारे एनाटॉमी के फैकल्टी प्रदीप सर, बायोकेम के फैकल्टी राजेश सर एंड फिजियो के फैकल्टी विवेक सर। तो सर बच्चे कह रहे हैं कि जो अब नए एडमिशन वाले आए हैं, उनको सीनियर कह रहे हैं कि जाओ और PW लाइव क्लासेस ज्वाइन करो, तो अब क्या किया जाए सर? रोज मैसेजेस आते हैं, कब से नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं आप, कब से नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। सो एक खुशखबरी देना चाहते हैं, 5 अक्टूबर से हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट प्रॉफ स्टूडेंट्स। तो द वेट इज ओवर फाइनली, फर्स्ट प्रॉफ की न्यू बैच वुड बिगिन फ्रॉम 5 अक्टूबर। एंड सर दिस बैच विल बी लाइक सेम अवर प्रीवियस बैच, जिसमें बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल एज लाइव क्लासेस विद ऑल हैंड रिटन नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, एंड दिस लाइव क्लासेस विल बी बोथ फॉर योर प्रॉफ एग्जामिनेशन कंसेप्ट एज वेल एज योर प्रिपरेशन फॉर नीट PG और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम। सो दिस इज अ बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम प्रदीप सर, एंड आई होप सारे बच्चे हम फैकल्टी की तरह काफी एक्साइटेड हैं। एंड तो सर कुछ नहीं ज्यादा, दोबारा मिलते हैं बच्चों से और दोबारा पढ़ाने का मजा लेते हैं। हाँ जी सर, सो द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इज ओवर, बच्चों बहुत ईगरली रुके थे आप, सो वी आर ऑल्सो ईगरली वेटिंग टू सी यू, आपको पढ़ाने के लिए वी आर ईगरली वेटिंग फॉर। ओके, सो सी यू ऑल एट द PW मेड एड ऐप। थैंक यू सर, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, अ बिग अनाउंसमेंट, सो सी यू ऑल, थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर।